Good morning, my dear students. How are you? I think and I hope you all would be very fine and would be studying very seriously wherever you would be. आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 की बुक फर्स्ट फ्लाइट की थर्ड स्टोरी का सेकेंड पार्ट को, विच इज टाइटल्ड एज द ब्लैक एरोप्लेन. लेट अस सी What is there in this story? The Black Aeroplane by Frederick Forsyth. इस स्टोरी को पढ़ने से पहले एज यूजुअल आपके लिए मैं कुछ यहाँ वोकेबलरी अर्थात वर्ड के मीनिंग्स लिख करके लाया हूँ. आप इसे देखेंगे और अपनी कापी में नोट करने के बाद आगे के लेसन को, चैप्टर को पैराग्राफ वाइज आप मैच करते हुए लर्न करेंगे. द स्टोरी बिगिंस हियर. द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी. द राइटर से राइटर कहते हैं कि चांद लेखक के पीछे पूरब की दिशा में ऊपर की ओर आ रहा था, बढ़ रहा था. एंड द स्टार्स वेयर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. और कहते हैं कि जो तारे थे वो मेरे ऊपर खुले आसमान में, साफ आसमान में चमक रहे थे, शाइनिंग कर रहे थे. देयर वाज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई. आसमान में कोई बादल भी नहीं था. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. राइटर बताते हैं कि वो अपने प्लेन में उड़ते हुए बहुत खुश थे. अलोन थे मीन्स अकेला थे. अलोन मीन्स अकेला थे. और वह खुश थे उस कंट्री साइड, कंट्री साइड मतलब देहात गांव के इलाके के ऊपर से उड़ते हुए. कहते हैं आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन. डेकोटा उनके एरोप्लेन का नाम है. और वो कह रहे हैं कि मैं अपने पुराने डेकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहा था ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. फ्रांस के ऊपर उड़ा रहा था और मैं वापस कहाँ जा रहा था, बैक टू इंग्लैंड जा रहा था. मैं इंग्लैंड जा रहा था. कहते हैं आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे. मैं अपनी छुट्टी के दिन का स्वप्न देख रहा था. एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विथ माई फैमिली. और मैं अपने परिवार के साथ होने का एक आशा देख रहा था, एक उम्मीद कर रहा था. लुकिंग फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर सोचना. आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग. और राइटर बताते हैं कि मैंने अपनी घड़ी देखी और सुबह के 1:30 हो रहे थे, यानी 1:30 हो रहे थे. राइटर ने यहाँ मॉर्निंग केवल इसलिए यूज़ किया है क्योंकि 12 बजे के बाद का समय हो गया था. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सोन आई थॉट. राइटर कहते हैं मैंने यह सोचा कि पेरिस, पेरिस मीन्स फ्रांस का जो सिटी है, कैपिटल है फ्रांस, जो कि एक देश है उसकी राजधानी है पेरिस. और कहते हैं कि वहाँ का कंट्रोल रूम को मैंने कॉल करने के लिए सोचा कि मुझे कॉल करना चाहिए. एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन. जैसे ही मैंने अपने एरोप्लेन के आगे देखा, नोज मतलब आगे के भाग के आगे देखा, तो आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ. तो मैंने देखा कि एक बड़े शहर की जो प्रकाश थे, बड़े शहर के प्रकाश थे वो मेरे सामने था. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड. मैंने रेडियो को ऑन किया और मैंने कहा पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088 हियर. राइटर ने कहा कि पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088 हियर, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माय वे टू इंग्लैंड ओवर. राइटर ने इन्फॉर्मेशन अपने कंट्रोल रूम को दिया कि मैं डेकोटा DS-088 जो कि उनके एरोप्लेन का नेम है से बोल रहा हूँ. क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं, मैं इंग्लैंड के रास्ते में बढ़ रहा हूँ. ओवर, ओवर मीन्स बातचीत समाप्त जब होती है तो ओवर कहते हैं लोग. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो एंसर्ड मी इमीडिएटली. राइटर बताते हैं कि रेडियो से तुरंत, इमीडिएटली मतलब तुरंत ही आवाज़ मेरे पास आई, DS-088 आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 degrees वेस्ट नाउ. मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ, आपको 12 degrees वेस्ट की तरफ तुरंत मुड़ जाना चाहिए. DS-088 ओवर. ऐसा कंट्रोल रूम से राइटर को कमांड मिला, निर्देश मिला. राइटर आगे बताते हैं आई चेक द मैप एंड द कॉम्पास. मैंने
नक्शे को चेक किया, कंपास को चेक किया, स्विच्ड ओवर टू माय सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक और मैंने अपने दूसरे ईंधन वाले टैंक को ऑन कर लिया एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड और मैंने अपने डेकोटा प्लान को 12 डिग्रीज पश्चिम की ओर जो कि इंग्लैंड जाने की दिशा थी उस तरफ मैंने मोड़ लिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। राइटर कहते हैं कि मैं यही सोचा कि मैं नाश्ते के समय में पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक बड़ा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट मेरा वहां प्रतीक्षा कर रहा होगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, सब कुछ अच्छा चल रहा था। यह एक बहुत ही सरल उड़ान थी, एक सहज उड़ान थी, विदाउट एनी प्रॉब्लम वाली उड़ान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। राइटर कहते हैं कि मुझे बादल दिखाई पड़े और मैं देखा कि 150 किलोमीटर मैं पेरिस से आगे बढ़ चुका था, यानी पेरिस मेरे पीछे 150 किलोमीटर छूट चुका था। स्टॉर्म क्लाउड्स, वो कहते हैं कि तूफान वाले बादल थे। दे वेर ह्यूज, ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा, वेरी बिग। ये जो बादल थे वो बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, आसमान के बीचों बीच वो मेरे सामने एक काले पहाड़ की तरह खड़े थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं जानता था कि मैं इनके पार नहीं जा सकता था। एंड ओवर देम एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे फ्लाइट में, मेरे एरोप्लेन में इतना प्रचुर ईंधन नहीं था, इनफ फ्यूल नहीं था कि मैं उनके आस पास नॉर्थ या साउथ में अथवा उत्तर या दक्षिण की दिशा में उड़ पाता। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट। राइटर सोचते हैं कि मुझे पेरिस वापस लौट जाना चाहिए, मैंने ऐसा सोचा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। लेकिन राइटर कहते हैं कि मुझे तो घर जाना था। मैं उस नाश्ते को जिसकी मैंने कल्पना कर ली थी अपने घर पर करने की, उस नाश्ते के बारे में सोच रहा था। आई विल टेक द रिस्क आई थॉट। राइटर कहते हैं मैंने यही सोचा कि मैं खतरा मोड़ लूंगा एंड फ्लिप दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म, और मैंने उस पुरानी डकोटा को सीधे तूफान में ले गया, उसे तूफान में उड़ा दिया। इन साइड द क्लॉड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, और बादलों के बीच में जाने के बाद सब कुछ अचानक काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना संभव नहीं लग रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, यह पुराना सा जो एरोप्लेन था वह हवा में लहराने लगा था, यानी उछलने जैसा करने लगा था, ट्विस्टेड यानी घूमने मुड़ने लगा था। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास को देखा और राइटर कहते हैं आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कंपास जो है सो गोल 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 घूम रहा था। इट वॉज डेड, इट वुड नॉट वर्क, वह खराब हो चुका था, वह काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वेर सडनली डेड टू, आई ट्राइड द रेडियो। राइटर कहते हैं कि दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स यानी दूसरे जो यंत्र थे वो भी मेरे खराब हो चुके थे। डेड का मतलब यहाँ खराब हो जाने से है। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो का भी प्रयास किया। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी। राइटर ने रेडियो को ऑन करके पेरिस कंट्रोल रूम से कंटेक्ट करने की कोशिश की। उन्होंने बोलना शुरू किया, कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी, बट देयर वॉज नो आंसर, उधर से कोई उत्तर नहीं आ रहा था। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी खराब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। राइटर कहते हैं कि ना मेरे पास रेडियो था ना कंपास था, मैं यह भी नहीं पता कर पा रहा था कि मैं कहाँ फंस गया था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं उस तूफान में खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। राइटर कहते हैं तभी मैं उन काले बादलों में बिल्कुल मेरे नज़दीक एक दूसरे एरोप्लेन को देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, लेकिन उस एरोप्लेन के डैने पर, उस एरोप्लेन के पंखों पर कोई लाइट्स नहीं था। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, लेकिन मैं उसे केवल इतना देख सकता था कि वह मेरे आगे आगे उड़ान भर रहा था। थ्रू द स्टॉर्म, तूफान के बीचों बीच से, आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स मी, और मैं यह देख पाया
कि जो पायलट का फेस था वो मेरी तरफ मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अदर पर्सन, और मैं बहुत खुश था एक दूसरे व्यक्ति को देख करके। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ उठाई और मेरे तरफ हाथ को लहराया। फॉलो मी ही वॉज सेइंग, और वह इशारे में फॉलो मी कर रहा था, यानी मेरे पीछे आओ, मेरा अनुसरण करो। फॉलो मीन्स होता है अनुसरण करना, किसी के देख करके उसी तरह करना। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, राइटर कहते हैं कि वह जानता था कि मैं खो चुका था। आई थॉट, ऐसा मैंने सोचा। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, शायद वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने धीरे धीरे अपने एरोप्लेन को उत्तर दिशा की ओर मोड़ दिया। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, बिल्कुल मेरे डेकोटा के सामने से उड़ान भरते हुए। सो दैट, ताकि इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मैं उससे सरलता से उसके पीछे आ सकूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, राइटर कहते हैं कि मैं उस अजनबी, उस अनजाने से एरोप्लेन, स्ट्रेंज मतलब अजनबी, एरोप्लेन के पीछे एक ओबीडियंट मीन्स आज्ञाकारी बच्चे की तरह, ओबीडियंट चाइल्ड की तरह जा कर के भी खुश था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, आधे घंटे के बाद तक वह एक अजनबी जो काला एरोप्लेन था वह अभी भी मेरे सामने से उड़ान भर रहा था। इन द क्लाउड्स, बादलों में, इन द क्लाउड्स, बादलों में, नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटा लास्ट टाइम टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes, और मेरे इस ओल्ड डेकोटा में अब केवल इतने ईंधन बच गए थे कि मैं केवल 5 मिनट की उड़ान भर सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मैं फिर से डरना शुरू कर दिया था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मेरे आगे उड़ने वाला वो ब्लैक एरोप्लेन नीचे जाना शुरू किया और मैं उसे तूफान से होते हुए उसके पीछे फॉलो कर रहा था। आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। सडनली वॉट हैपेंड, सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, राइटर कहते हैं कि सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, मैं अचानक से बादलों से बाहर आ गया। एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और मेरे सामने दो सीधी लाइन थी जिसमें लाइट्स लगे हुए थे। इट वॉज अ रनवे, वह रनवे था। रनवे क्या होता है, एयरपोर्ट पर अगर आप गए होंगे तो आपको पता होगा कि रनवे यानी जहां प्लेन उतरता है, और प्लेन उतर करके अचानक से रुक नहीं जाता, बल्कि वह 2-3-4 kilometers की पहले स्पीड से वह चलता है। एन एयरपोर्ट, राइटर कहते हैं कि इट वॉज अ रनवे, एन एयरपोर्ट, एंड यू कैन सी हियर एक्सक्लामेशन मार्क्स, एक्सक्लामेशन मार्क लगा हुआ है, यानी राइटर आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, खुशी व्यक्त कर रहे हैं, खुशी वाला आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि इट वॉज अ रनवे, यह एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, और मैं पीछे मुड़ करके मैं उस मित्र को जो एक अनजाने में ही मेरी मदद करने आया था, मैं उसे देखने के लिए मुड़ा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान एम्प्टी था। एम्प्टी मीन्स खाली था, आसमान खाली था। There was nothing there, वहाँ कुछ था ही नहीं। The black aeroplane was gone, वो काला aeroplane जा चुका था। I could not see it anywhere, मैं उसे कहीं नहीं देख पा रहा था। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower, मैं अपने प्लेन से निकला, लैंड किया, प्लेन से बाहर निकला, एंड पैदल ही चलकर कंट्रोल टावर में गया। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर, मैं गया और कंट्रोल सेंटर में बैठी एक औरत से पूछा, वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, कि मैं कहाँ फंस गया था और वो दूसरा पायलट जिसने मेरी मदद की वह कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक, आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, राइटर कहते हैं कि मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता था, लेकिन जो वुमन कंट्रोल सेंटर में बैठी थी, सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वह मुझे बहुत विचित्र दृष्टि से देखी। एंड देन लाफ्ड, उसके बाद वह हंस पड़ी और पूछी, अनदर एरोप्लेन, कोई दूसरा एरोप्लेन,
अप देयर इन द स्टॉर्म, तूफान में, नो अदर एरोप्लेन्स वे आर फ्लाइंग टू नाइट. आज तो, आज की रात तो कोई दूसरा एरोप्लेन उड़ान भरी नहीं थी. योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार. तुम्हारा ही एकमात्र एरोप्लेन उड़ रहा था जिसे मैं अपने रडार पर देख पा रही थी. राइटर कहते हैं, सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो. लेकिन बिना कंपास और बिना रेडियो का आखिर वो कौन व्यक्ति था जिसने मुझे सेफली सुरक्षित तरीके से यहाँ पहुँचाया. एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरे टैंक्स में तो और फ्यूल भी नहीं थे. हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन. आखिर उस अजनबी काले ब्लैक एरोप्लेन पर कौन था वो पायलट फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो बिना लाइट्स के उस काले बादल में उड़ान भर रहा था. दिस इज द क्वेश्चन एंड द स्टोरी फिनिशेस हियर. कहानी यहाँ समाप्त होती है और हम लोग इस बात को बिना क्लियरली जाने कहानी में लटका दिए जाते हैं एक तरह से, कि राइटर के साथ आगे क्या हुआ, क्या सच्चाई थी, आखिर वो कौन सा मिरेकल था, कौन सा चमत्कार था जो राइटर को उस तूफान वाले बादलों के बीच में फंसे होने के स्थिति में मदद करके बाहर ले आता है. तो शायद हम लोगों को अपने अपने विचार से कल्पना करने के लिए छोड़ दिया जाता है राइटर के द्वारा. आई होप यू वुड हैव एंजॉयड द स्टोरी वेरी मच. थैंक यू.